किंतु बहुत से सांगठनिक ढांचे पैदा हुए हिंदुस्तान में जिन्होंने ये तय किया कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम हिंदुओं को सुरक्षा देंगे और हम हिंदुओं को इन आततायी शक्तियों से बचाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना में योगदान देंगे। लेकिन जितने भी संगठन आए उन्होंने राजनीतिक सत्ताओं का हस्तांतरण अपने पक्ष में किया, उसके बाद हिंदुओं का ही दोहन और दूसरे वर्ग का प्रोत्साहन इसी नीति को फॉलोअप किया और उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया। क्या आज पूरे भारत को और हिंदू भारत को यह सोचना नहीं चाहिए कि असली हिंदू कब जागृत होगा? ये तो छदम हिंदू हैं। असली हिंदुओं को कब नेतृत्व लेना होगा? क्या इन प्रश्नों का जवाब वो हिंदू मानस, वो हिंदू चिंतन, वो हिंदू विचार कभी दे पाएगा? आप जहां ये छींटा फेंक रहे हैं मैं समझता हूं, मगर आपको तथ्यों को के आलोक में देखना होगा। हिंदुओं ने अपनी समस्या के लिए जो एक तेजस्वी चिंतन होना चाहिए, छान फटक करनी चाहिए, वो छोड़ दिया है और समस्याओं के समाधान के लिए आउटसोर्सिंग कर दी है। हिंदुओं की समस्या का समाधान संघ करे, विश्वंदु परिषद करे। हिंदू महासभा का नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब हिंदू महासभा में कुछ बचा नहीं है, बुझती हुई आभा विशेष नहीं है जो महासूर्य था कभी वो संगठन। कहते हुए आंखें डबडबाती हैं, कैसे महान लोगों का संगठन और क्या हाल हुआ। दिल्ली में कभी आपके श्रोताओं को मैं निवेदन करूंगा, बिरला मंदिर की बिल्कुल लगी हुई बिल्डिंग है हिंदू महासभा भवन, जाके देखिए। भाई परमानंद ने अपने बेटे भाई महावीर को वो भवन नहीं दिया, हिंदू महासभा को दिया। वो भवन जब दिया गया था तब भी वो 50-100 करोड़ का था, आज तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है जी। बिरला मंदिर के बिल्कुल बगल में और क्या हाल है, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको कोर्ट ने उत्तराधिकारी नहीं माना है और वो शादियां कराने के 5-5, 7-7, 10,000 रुपये लेते हैं। ऐसे तेजस्वी, बिल्कुल दधीच ही कहना चाहिए ऐसे लोग, सावरकर जैसे लोग जिनके चरणों से वो भूमि धन्य हुई और उसका क्या हाल हुआ। वो आखिरी संगठन था जो हिंदुओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल खरा सोचता था, खरा काम उसका चिंतन था और उन्होंने काम किया। वैसा ही आर्य समाज का हाल हुआ। पुण्यात्मा इसके पीछे मैं एक नाम लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर हैं वो लाला लाजपत राय हैं। लोगों को नहीं मालूम होगा, इतना बड़ा व्यापारी था, इतना पैसा था लाला लाजपत राय के पास कि उन्होंने बैंक स्टैब्लिश किया। ये हिंदू महासभा ही थे, हर समाज के विद्वान थे, लाठियों से मार दिए गए, मार मार के समाप्त कर दिए गए। ऐसी कोई भी आवाज़ जो समस्या के समाधान के लिए जागरूक थी वो मिटा दी गई। उस मानसिकता में संघ को समझें। गांधीवध के बाद जो जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे, हिंदू महासभा नष्ट कर दी गई है। राज्य से बड़ी सत्ता कोई नहीं होती। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो राज्य पाकिस्तान के 1,00,000 सैनिकों का, जिनके पास शस्त्र है, उनकी ज़मीन में मुंडी रगड़ सकता है, वो संगठन के लोगों को क्या छोड़ेगा। हिंदू महासभा ढेर कर दी गई, आर्य समाज भी बहुत ठंडा पड़ गया, संघ की भी ये स्थिति हुई। संघ में आखिर लोग कहाँ से आते हैं? को अलग से निर्माण नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि समाज में डॉक्टर बेईमान हों और इंजीनियर ईमानदार हों, पॉलिटिशियंस बेईमान हों और ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हों।
समाज का पूरे सर्वांगीण पतन होता है, समाज सर्वांगीण उत्थान होगा, सर्वांगीण पतन होगा। ये समाज की स्थिति थी, इसके जो लोग हैं वो डर गए। उस समय जो सत्संग चालक थे गुरुजी, उन्होंने संघ को व्यवस्थित किया किसी तरह से और एक नीति तय की कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं से कुछ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए संघ के किसी भी विषय पर जो फ्रंट खुलते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कोई भी काम करेगा संघ अपने नाम से नहीं करता। किसी प्रकार की कोई काम हो, शिशु मंदिर चलाने हो, विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में काम करना हो, एक अलग समिति बना देंगे। सांस्कृतिक काम करना हो तो विश्वंदो परिषद बना देंगे, सब संघ है और कुछ नहीं है, ये उसी के सब, बल्कि उसके विभिन्न क्षेत्र भी नहीं कहना चाहिए, वो संघ ही है और सारे में फैल कर काम करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर कोई भुजा प्रहार हो उस पर कटे तो जो मूल मानस है, मस्तिष्क है, जो पावर हाउस है, वो नष्ट ना हो जाए। हिंदू समाज के बहुत सारे लोग बात करते हैं, मुझे भी बहुत कष्ट होता है, बंगाल में जो दुर्गत हो ही रही है, सैकड़ों लोग मार दिए गए, अत्याचार हुए भयानक रूप से, मुझे भी कष्ट होता है। कश्मीर से लोग निकल गए, संघ कहाँ था? मगर यहाँ ये प्रश्न भी करने का है कि संघ कोई कमांडो फोर्स है क्या? उसके पास कोई 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों की हथियारबंद जत्थे हैं? इसी समाज से तो लोग आएंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस समस्या के समाधान के लिए अभी सड़क के सामने से 50 लोग नारे तकबीर करते हुए और हंगामा मचाते हुए दरवाजे खटखटाते हुए शीशों को फोड़ते हुए गुजर रहे हों? हम में से कोई निकलना चाहे तो उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी हाथ या उसका परिवार हाथ पकड़ेगा कि नहीं? यही तो संघ के स्वयंसेवक हैं, और कहाँ से आएंगे? इस समाज में से तो निर्माण होगा। अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों का मुंह देखने से कैसी बात बनेगी? फिर आप ये कह सकते हैं कि राज्य को ये काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, राज्य को ये काम करना चाहिए। राज्य नहीं कर रहा तब समाज को तैयार होना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। और इसके बदले में प्रताड़ित होऊंगा। एक मेरे मित्र कह रहे थे कि आप रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए। निश्चित रूप से, मगर 60 वर्ष का हो गया मैं, अब नहीं मरूंगा, 10 साल बाद मर जाऊंगा, 12 साल बाद मर जाऊंगा। ये आखिरी 15 साल, 12 साल, 10 साल जेल में कटे या घर में कटे, कर कटे, क्या अंतर पड़ने वाला है? मगर आंखें तो मिलानी पड़ेंगी। स्वामी श्रद्धानंद के पिता का नाम मालूम है किसी को? भाई का, पुत्र का, विवाहित थे वो संन्यास से पहले, उनका परिवार था, किसी को याद है? ये महापुरुष जिसने इस्लाम को पहली बार विश्व भर में चुनौती दी, स्वामी ऋषि दयानंद, इनके पिता का नाम चूंकि जीवनी में आता है इसलिए मालूम होगा। दादा का नाम पता है किसी? नहीं। जीवन क्या था इनका, अंत क्या था? पिसा हुआ शीशा विष इनको दिया गया, तड़प के तिल तिल करके मरे हैं। इनके बारे में लोगों का कथन है, और एक आध का नहीं, कई का है, कि बोले ऐसा निर्भीक, ऐसा निडर व्यक्ति नहीं देखा, 10,000 लोग सामने खिलाफ खड़े हों मगर मझाले की पलक पलक भी हिली हो। ये तो होगा। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कैसी हुई थी मालूम है? राणा प्रताप कैसे मारे गए थे पता है? राणा प्रताप डिग गए थे कि जो घास की रोटी किसी तरह से बनाई, बिलाव लेकर भाग गया, तो वो उनकी स्थिति ऐसी आई कि वो उनका मन हिल गया, तो एक कवि ने उनको उत्तर दिया तो उसके कारण वो तेजस्वी बने। कष्ट झेले जाते हैं, स्वाभाविक है, ये होगा। आप एक ऐसे पैशाचिक रथ को जो 1500 वर्ष से सारे संसार को पतलित किए हुए है, कम से कम अपने आधे हिस्से की क्या दुर्गति करिए तो सामने देख ही सकते हैं। इस कष्टदायक इतनी भयानक गर्मी में एक महिला सर से पैर तक काले बुरखे में घूमे, उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। दुखदायी उसके लिए,
जीवन कितना होगा, मगर आधा हिस्सा बात है। मैंने 16-16, 17-17 साल की लड़कियां देखी हैं जो गैर मुसलमानों के साथ भाग गई हैं। साल भर इंतज़ार करना पड़ा उनकी शुद्धि करने के लिए उनको, और उनके विवाह कराने के लिए। पूछा मैंने कि तुम क्यों घर छोड़कर आ गई, तो कहा बिंदी नहीं लगाने देते, बुरखा पहनाते हैं। एक 17 साल की लड़की को बोरे में बंद, अभी खुद रह के देखो ना बोरे बंद करके, पता लगेगा कैसे जीना होता है। अपने आधे हिस्से का ये हाल किया जिसने, उसको चुनौती हम नहीं देंगे और हम बच जाएंगे क्या? मेरी पुत्रवधु का क्या हाल होने वाला है, मेरी बेटी का, मेरी पोती का क्या हाल होने वाला है, मेरी दोहित्री का क्या हाल होने वाला है, मेरे पोतों की क्या जिंदगी होने वाली है? ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा, ये मामला हमारी सांसों का है, इससे जूझना तो पड़ेगा। और इसको वैचारिक चुनौती देने के लिए समाज में से ही लोग निर्माण हो, जिस संगठन से हम अपेक्षा करते हैं उस संगठन के साथ हम कितना जुड़ते हैं। आपके श्रोताओं से पूछता हूं, आपको शाखा लगते हुए देखने में कितने साल हो गए जो आपने पार्कों में शाखा नहीं देखी है? कभी सूझा है कि उसमें लोग नहीं है? उनके प्रचारक, अब तो जीवन बेहतर हो गया है कि कार्यालयों पर खाने की व्यवस्था हो गई, नहीं पहले तो व्यवस्था थी कि संघ का जो प्रचारक था वो परिवार में भोजन करेगा। परिवार मतलब शहर में 5-6 लोग थे, संघचालक, कार्यवाह, व्यवस्था प्रमुख, कुछ लोग, सायं शाखाएं थीं, और मुख्य शिक्षक जो 12वीं पढ़ता हो 11वीं पढ़ता हो वो अपने परिवार में तो कह भी नहीं सकता था, उसके साथ जाना भी संभव नहीं था। दो दो दिन तक सिर्फ पानी पी कर प्रचारक जिंदा रहते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कष्ट उठाया लोगों ने। उस समाज की चिंता कही, वहां से कैसे निर्माण हुआ? हम दे क्या रहे हैं, हम बो क्या रहे हैं, तभी तो उसकी फसल काटेंगे। हम गेहूं लगाते हैं तभी तो गेहूं निकलेगा, हम बोएंगे कुछ नहीं, काटने की बात करेंगे। तो राष्ट्र को इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि वो सामाजिक कार्यों के लिए स्वयं भी क्या कर रहा है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप कैसे हो जाएगा? ये समस्याएं आउटसोर्सिंग करने से नहीं होती, क्योंकि अभी जो दूर से दिखाई दे रही है स्थिति वो मेरे घर पर भी आएगी। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा, अभी भी इसरार अहमद वगैरह को सुनिए तो वो लाहौर को लेकर आज भी कलपते हैं कि पूरे अनारकली बाज़ार में केवल एक दुकान मुसलमान की थी। वो अनारकली बाज़ार मेरे पूर्वजों का था, मेरे दादा उस परिवार के थे, मतलब उनकी माँ उस परिवार की थी जो ऋषि फैमिली जहाँ से जिनका वो संपत्ति थी। क्या हुआ अनारकली बाज़ार का? बैठे रहिए अपने घर में, सोचते रहिए कि हम अजय हैं, नहीं है अजय, ये चूहे कुतर रहे हैं चारों तरफ से, हमारी चादर में जगह जगह छेद हो गए हैं। अगर हम इसकी चिंता नहीं करेंगे, इसे रफू नहीं करेंगे, और रफू करने भर से काम नहीं बनेगा, चूहों को मारना पड़ेगा, चूहों को तोड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कैसे बात बनेगी? तो संघ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, समाज इसके लिए जिम्मेदार है। वो चाहता है कि उसकी समस्याएं आउटसोर्स संघ के पास हो जाए। संघ की अपनी क्षमता क्या है जो कर देगा, और उसमें हमने क्या डाला है जो हम उससे निकाल लेंगे, ये कार्य तो हमको करना पड़ेगा। तो फैल जी, धर्मांतरण पे राष्ट्र को दिशा दे दी गई कि कैसे बचने का रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन समस्या अभी भी वहीं खड़ी है। समस्या से आगे बढ़ने का लोगों को रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता जब तक ना हो और नेतृत्व करने वाले लोग सामने नजर ना आए तो समाज को भी दिशा नहीं मिलती है। पूरा समाज अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे नेतृत्व देने वाले लोग ना हो। तो वो जो नेतृत्व की अपेक्षा है, समाज में से ही लोग आने हैं, समाज में से ही उनको अपने विचार के साथ पैदा होना है, और वो विचार का स्थायित्व भी होना बहुत जरूरी है। स्थायी विचार के साथ नेतृत्व का पैदा होना और नेतृत्व करके समाज से उस दिशा में कार्य करवाना, ये तो नेतृत्व का ही काम होगा ना। आपका क्या कहना है कि हमारे सामने कहीं कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो समाज का इस दिशा में नेतृत्व कर सकते हैं?
बहुत सही बात आपने पूछी और कही, बल्कि इस प्रश्न में आपका उत्तर भी सम्मिलित है। समाज स्वयं में कभी खड़ा नहीं होता, कोई समाज, कभी इस्लामी समाज, ईसाई समाज, किसी को, चीन किसने बनाया, मंगोल शासकों ने इसकी संरचना बनाई, भारत को किसने विकसित किया, चक्रवर्ती सम्राटों का कार्य। हमेशा नेतृत्व करने वाला वर्ग सेनापति होंगे, राजा होंगे, ऋषि होंगे, आचार्य होंगे, महर्षि होंगे, वो सब काम करते हैं। इसका अभाव है, और उसका कारण ये भी है कि ऐसा कार्य करने वाले, अब देखिए ये बात कितनी ठीक है मैं कह नहीं सकता, मगर सुना मैंने कई स्रोतों से है, सावरकर जी अपने अंतिम समय में बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, शरीर की क्षमता से अधिक विचार शरीर की सीमा है, वो उन्हें महसूस हो रहा था कि जहां राष्ट्र को जाना चाहिए नहीं जा रहा है, आखिर यही तो राष्ट्र है जिसने गांधी को चुना, सावरकर नहीं चुने, जो इनके साथ जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ा। निश्चित रूप से अभाव कभी नहीं रहता, संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने अभी इसी साल स्टेटमेंट आया था उनका कि बौद्धिक क्षत्रिय, बहुत सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर समास है, बौद्धिक क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी इससे तेज की, तेजस्विता की, ऊर्जा की आप आशा कर सकते हैं, जिसके अंदर भरपूर है, लबालब भरा हुआ है, और बौद्धिकता यानी आक्रामक बौद्धिकता। और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि हो सकता है ये लोग संघ के सोर्स से ना आए, अगर मैं अपने आप को उस क्षमता में नहीं गिनता, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मगर अगर किसी के मन में ये सूझे कि मैं उनमें आता हूँ, तो मैं तो संघ के सोर्स का ही हूँ, वहीं से निर्माण हुआ है मेरा, मगर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो पूरी तेजस्विता के साथ राष्ट्र की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और अब राष्ट्र की चिंता व्यक्त करने वाले बड़े पैमाने पर दिखाई भी दे रहे हैं, इस पर आघात करने वाले भी दिख रहे हैं, तो इसके प्रति चिंतित और सजग लोगों का समूह भी दिख रहा है। एक नाम सामने से है, ये बेसिकली आपके आदमी हैं, वो जो मिश्रा है ना दिल्ली के, आप में थे पहले, कपिल मिश्रा, उन्होंने जो दंगे में प्रताड़ित हुए, जिन्हें पीड़ा पहुंची, उनके लिए पैसा इकट्ठा करने की बात की, लाखों रुपए उन्होंने मदद कर दी। कैसे हुआ? कपिल मिश्रा में नेतृत्व करने की क्षमता है कि नहीं, सवाल ये है ही नहीं। कपिल मिश्रा ने एक गेटवे दिया, एक रास्ता दिया, उस रास्ते से समाज एकदम से दौड़ पड़ा काम करने के लिए। ऐसे लोग जो मारे गए उनके घरों में सेवा पहुंची, माँ का कष्ट रहेगा कि उसका बेटा मर गया, मगर माँ किसी पड़ोसी से नहीं कहेगी कि तू अपने बेटे को रोक, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसके घर में 30 लाख 40 लाख का धन आया, उसकी बेटे की वीरता को पुरस्कृत किया गया, ये पहले नहीं होता था। ये समाज में तिलमिलाहट है, इसलिए समाज कर रहा है। ये बदलाव आ कहाँ से रहा है? समाज तैयार है ना इसके लिए? आखिर अंततोगत्वा हम जब काटते छांटते जाएं तो अंत में हम अपने जीवन का केंद्र हम स्वयं बचते हैं। धन उस जीवन को पुष्ट संबल कर देने का, पुष्ट करने का साधन है, वो क्यों देगा? वो सवाल ये नहीं कि वो 10 लाख देता है, 10 हज़ार देता है, 10 रुपये देता है, वो 10 रुपया भी, वो 10 लाख भी, 10 हज़ार भी, जितना भी वो कर रहा है, वो उसका निजी है ना, वो दूसरे के लिए क्यों दे रहा है? कि उसके मन में विचार है कि राष्ट्र के लिए जो जूझने वाले लोग हैं, जो बौद्धिक क्षत्रिय हैं या क्षत्रिय हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। ये तिलमिलाहट नेतृत्व को जन्म देगी, इसी में से चाणक्य पैदा हुआ, इसी बेचैनी से चंद्रगुप्त आए, इसी बेचैनी से समुद्रगुप्त पैदा हुए। ये यूं ही नहीं हुआ, समाज देख रहा था कि राष्ट्र नष्ट हो रहा है, पुष्यमित्र शुंग इन्हीं के बीच में से निकल कर आए थे, उन्होंने देखा कि नष्ट हो जाएंगे हम, तो
इसका परिष्कार करना पड़ेगा। यही बेचैनी, यही छटपटाहट एक नए जीवन को, एक नए सूर्य उगाती है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो देख पाता हूँ निश्चित हम जीतेंगे। और ये आखिरी छलांग है, या तो हम जीतेंगे या नष्ट हो जाएंगे, बचने का कोई घर नहीं है इसमें। तो खड़गहस्त होना, आक्रामक होना, और हम अपने सत्व की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी के घर नहीं जा रहे मारने के लिए, अपने बचाव की बात कर रहे हैं। और इस बचाव के लिए हमें भरपूर आक्रामक होने का अधिकार है, कानून हमें इसका अधिकार देता है। हम पर कोई आक्रमण करता है तो उसका वध कर देना, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मुझे जो नष्ट कर रहा है, मैं निश्चित रूप से उसको हर प्रकार से दंडित करने का अधिकारी हूँ।